सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको स्लीवलेस कुर्ते की कटिंग करना बता रही हूँ। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने इस कपड़े को चौड़ाई में से बीच में से फोल्ड किया हुआ है, क्योंकि इस कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसको लंबाई में से फोल्ड ना करके चौड़ाई में से फोल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो आपको इसको लंबाई में से फोल्ड करना पड़ेगा, यानी इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम अपने सूट की चौड़ाई कैसे लेते हैं। तो जो हम अपने सूट की चौड़ाई लेते हैं वो हिप का चौथा हिस्सा जमा 2 इंच लेते हैं, यानी जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, तो उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे, तो इस तरह से होता है हमारा 11 इंच। तो यहाँ देखिए, हम 11 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, इसको मैंने चौड़ाई में से डबल किया हुआ है, ये डबल है। और देखिए, यहाँ पर ये 11 इंच जहाँ पर निशान है, इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं। और इसके बाद हम जो इसकी लंबाई लेते हैं, अगर आपको तुरपाई करनी है तो 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेंगे तैयार लंबाई से, और अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो आप 2 से 1.5 इंच इसको ज़्यादा लेंगे। और इसके बाद देखिए, हम जो इसका तीरा लेते हैं, वो जितना हम अपना नॉर्मल तीरा रखते हैं उससे हमें टोटल में 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। यानी देखिए, जैसे हम अपना तीरा 14 इंच रखते हैं तो इसमें हमें 15 इंच रखना होगा, यानी जैसे 7 इंच लेते हैं तो यहाँ से 7.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, इसके आर्म होल, अगर हम अपने आर्म होल 7.5 इंच रखते हैं तो स्लीवलेस कुर्ती में हमें 6.5 इंच रखने हैं, यानी 1 इंच कम। और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ से हम अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, जैसे हमारी चेस्ट 34 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच, तो एक निशान हम यहाँ पर 8.5 इंच पर लगाएंगे। और देखिए, यहाँ से 7 से 7.5 इंच तक हम कमर का निशान लगाएंगे। आप ये निशान 7 इंच पर भी लगा सकते हैं और 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और यहीं से हम 13 इंच से लेके 14 इंच तक हिप के लिए निशान लगाएंगे, यानी ये आपकी चॉइस है, आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। कुछ लोग चाक नीचे पहनते हैं और कुछ लोग चाक थोड़े ऊँचे पहनते हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। और देखिए, जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है उसके सामने हम कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे, जैसे हमारी कमर 28 इंच है तो ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है वहाँ पर हम हिप का चौथा हिस्सा लगाएंगे, जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। और इसके बाद देखिए, 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से। और देखिए, जो हमारा हिप का निशान है, यहाँ से हम थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि हमें मोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद देखिए, हम अपने गले के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए, और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से कट लगा दें। देखिए, जो हमने गले के लिए कट लगाया है, यहाँ से हल्का सा हम इस तरह से ये शेप देंगे। और इसके बाद हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से।
और देखिए इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करेंगे। आगे का गला हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे और इसमें से देखिए मैंने पीछे का पीस अलग कर लिया है और आप इसकी जो चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया है और इसकी लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये मैं केवल 3 इंच रख रही हूँ और यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ भी 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से गोलाई देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और देखिए इसमें हम आगे के मुड्ढों को गहराई नहीं देते हैं और इस कुर्ती की स्टिचिंग बहुत आसान होती है। आप आर्म होल में कोई भी पाइपिंग लगाइए, कोई भी लेस लगाइए और गला बना के आप केवल फिटिंग इसमें कर दीजिए और हमारी स्टिचिंग हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।